देखिए 40 लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट पूर्णिया बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव नामांकन करते हैं कि उसके बाद पूरे बिहार में पूर्णिया की चर्चा होती है। और अब पूर्णिया सीट इतना चर्चा हो गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद अब पूर्णिया में हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गए हैं और यहाँ पर अब चुनावी कैंप करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी हैं। क्या लग रहा है सर, इसका कितना असर पड़ेगा? तो जनता ने तय करेगी, भगवान जनता है ना, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए हैं। अब वो राजा हैं, राजा रंग के हम लोग हैं, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, उनको जो बोलना है राजा कुछ भी बोले सब कुछ माफ़ हो जाता है। हम लोग तो सेवक हैं और मदद करने के लिए पैदा हुए हैं, तुरंत जस्टिस के लिए जनता ने हमें पैदा किया है और वो देश के हित में खड़े हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव मंच से यहीं पर पूर्णिया में भाषण दे रहे थे आज, और उन्होंने कहा है कि या तो आप बीमा भारती को वोट दीजिए, नहीं तो आप एनडीए को जिता दीजिए। तो वो आप जनता तय करे, कांग्रेस को विचार करना चाहिए जी कि आप किसके साथ खड़े हैं, और जनता तय करेगी हैं क्या। सियासत और सत्ता के अलावे लोग क्यों नहीं बाहर निकलते हैं, कुर्सी ही सब कुछ नहीं है ना जी। और अहंकार से तो नेताओं को बाहर रहनी ही चाहिए जी। हमारे लिए सब कुछ समर्पण है, पूर्णिया की जनता, कोसी सीमांचल की जनता। अच्छा, आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं कि पप्पू यादव को, यानी कि इस तरह से देखा जा रहा है कि आप ही से उनको ज़्यादा दिक्कत है, इसके पीछे की क्या वजह? उनको सब बहुतों को, बहुतों से, किसी को कन्हैया से, किसी को साहबुद्दीन की पत्नी से, देवेंद्र जी से, सच्चाई से सब लोग डरते हैं और ईमानदार आदमी से सब डरते हैं। वो तो बहुत बड़े लोग रहे हैं, डिप्टी सीएम दो बार रहे हैं, तो उनके भीतर तो बिल्कुल सच्चाई के रास्ते होंगे, डरने की कोई बात उसको नहीं होगी। तो पूर्णिया में नहीं लगता है कि एक भाई को डरना चाहिए एक भाई से, अलग अलग रास्ते से पटना पहुंचने की रास्ते, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, ब्लड एक ही है ना, तो हम तो ब्लड एक ही मानते हैं। और रोड शो और सबका ये दायित्व कर्तव्य करते रहे, वो अच्छी बातें हैं कि उनके भीतर पप्पू यादव को लेकर इतना गुस्सा कहाँ से आया जी। इतना क्या बोलूँ मैं, इतना गुस्सा आने का कहाँ से, इतना गुस्सा, इतनी नफरत आया, ये तो वही बता सकते हैं। मैं स्वागत करूँगा उनके हर चीज़ों का, 43 MLA, 9 MLC, सारी चीज़ें, और एक एक गांव जाना, मैं तो थैंक्स करूँगा। इस जन्म में यदि मुझे किसी की पूजा करनी होगी ना, तो पूर्णिया की जनता को भगवान की तरफ मैं पूजा करूँगा कि जिन्होंने दुनिया की कोई हवा जिस पर काम नहीं किया, दुनिया का कोई प्रलोभन काम नहीं किया, कोई परिस्थिति काम नहीं किया, इसलिए पूर्णिया की जनता मेरे लिए भगवान की तरह है। और भगवान के भक्त का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता रहेगा, और यदि मुझे पूजा भी करनी होगी तो मैं कमज़ोरों की, आम आदमी की पूजा करूँगा। और ये साबित भी पूर्णिया ने किया है कि आम आदमी कोई इतिहास लिख सकता है, सिर्फ जाति पाति का इतिहास नहीं लिख सकता, इसको ख़त्म करना जाति के बहुत ज़रूरी है, और जनता को और मजबूत करना मेरा दायित्व। तो आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी को सुन रहे थे कि आखिर उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ कहा। लगातार एक एक अपडेट दे रहा है, बिहार एक सीट पर बने रहे, धन्यवाद।